हेलो फ्रेंड्स, आज हम आदिश किचन में बनाएंगे ट्रेडिशनल टाइप से गर्मी को कम करने वाला स्वादिष्ट हेल्दी ड्रिंक आम पन्ना। तो रेसिपी देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पन्ना बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस चालू करेंगे, उसके ऊपर हम जाली रख देंगे और जाली के ऊपर हम कच्ची कैरी या आम रख देंगे। ये दोनों आम हमें इसका छिलका काला होने तक अच्छे से भून लेना है। भूनने के लिए हमने गैस की फ्लेम हाई रखी है। आम का कलर चेंज होने पर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आम ठंडे होते ही इसके ऊपर का छिलका हम निकाल लेंगे। ऐसे हाथ से पूरा छिलका हमें निकाल लेना है। ये छिलका बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसी तरह से दोनों आम हम साफ़ कर लेंगे। और अब हम छिला हुआ आम हाथ में लेंगे और चाकू या चम्मच से इसका गर हम निकाल लेंगे। जो इसका मावा है वो अलग कर लेंगे बीच से। चम्मच की हेल्प से इजीली ये क्लीन हो जाते हैं। तो हमने दोनों आम अभी क्लीन कर लिए हैं और अभी थोड़ा सा पानी डालकर इसके बीज भी हम धो लेंगे ताकि बीज भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और निकला हुआ पानी भी हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। मिक्सी जार में आम के साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून काला नमक भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और लगभग आधा कप गुड़ भी हम इसमें कद्दूकस करके ऐड कर देंगे। गुड़ की जगह पर आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ और शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आम कितना खट्टा है देखकर। मिक्सी जार का ढक्कन लगाएंगे। 2 मिनट में अपना आम पन्ना बनकर रेडी है। आम पन्ना बनाने के लिए ग्लास में हम आइस ऐड करेंगे, उसके ऊपर आम पन्ना ऐड करेंगे और ग्लास को पानी से भर देंगे। या तो आप अलग बर्तन में पानी और आम पन्ना मिक्स कर सकते हैं। टाइम में आम पन्ना जरूर पीना चाहिए। आम पन्ना बॉडी की हीट कम करने में मदद करता है और ये पन्ना बॉडी के न्यूट्रिएंट्स फुलफिल करता है। और बाकी बचा हुआ पन्ना हम 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, आसान रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंजॉय। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।